जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित सलोसा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में एक अज्ञात आतंकी के मारे जाने की खबर है। वहीं इस मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजने निवासी मनीष कारपेंटर कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहने के भक्ति की प्रार्थना की है। मध्य प्रदेश को अपने वीर सपूत पर गर्व है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ की यह घटना बारामूला के क्रीरी इलाके में स्थित सलोसा की है, जहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऐसे में आतंकियों ने सुरक्षा बलों गोलीबारी करना शुरू कर दिया। इसके चलते सेना ने जवाबी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मनीष कारपेंटर घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ उन्हें इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। मनीष के भाई हरीश कारपेंटर भी सेना में पदस्थ थे। मनीष साल 2016 में सेना में भर्ती हुए थे।